साउथ अफ्रीका, जहां इंसान आज भी जानवरों का शिकार करते हैं, जहां दुनिया के सबसे डेडली स्नेक्स पाए जाते हैं और रिमार्केबल स्किल्स के साथ एक इंसान भी। इसके 2 सेंटीमीटर लंबे फैंग से दूर ही रहना चाहिए। कर्ट ग्रीनवुड को इन खतरनाक फैंग्स को फेस करना है। क्या कर रहे हो? अपने फैंग से अटैक करना चाहते हो? इतने बड़े फैंग्स किसी और स्नेक के नहीं होते, वो भी सिर्फ अपने दो हाथों से। क्या ये साउथ अफ्रीका के डेडलीस्ट स्नेक्स को हैंडल कर पाएगा? द केप, 6 फ्लोरल किंगडम्स में से एक है। यहां 9,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं। यहां की बोटैनिक डाइवर्सिटी सबसे रिचेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी एक्सीड करती है। ये हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल के लिए परफेक्ट है। स्प्रिंग सीजन में ये लैंडस्केप खिल उठता है। हजारों की संख्या में इंसेक्ट्स और बर्ड्स यहाँ के नेक्टर रिच फ्लावर्स का मजा लेने जमा हो जाते हैं। बर्ड्स, लिजर्ड्स और एम्फिबियंस इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं और इस नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करते हुए बड़े और डेडलियर प्रेडेटर्स भी यहाँ आ जाते हैं। स्नेक्स, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कर्ट ग्रीनवुड सदर्न अफ्रीका के डेडलीस्ट स्नेक्स को ढूंढने के मिशन पर निकले हैं। कर्ट के ग्रैंडफादर ने उसे बचपन में ही जंगल से इंट्रोड्यूस करवा दिया था और ये भी समझाया था कि हर लाइफ प्रेशियस होती है, उन क्रीचर्स की भी जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। कर्ट ने 9 साल की उम्र में ही एक पफ एडर की जान बचाई थी जब फार्म में काम करने वाले एक आदमी के शवल से वो मारा जाने वाला था। बस तभी से कर्ट डेडली क्रीचर्स से इन्फैचुएटेड है। कर्ट एक एक्सपर्ट ट्रैकर है जो जानता है कि ये डेडली क्रीचर्स कहां मिल सकते हैं। दिन की इस गर्मी से बचने के लिए बहुत से क्रीचर्स रॉक्स के नीचे ही शेल्टर ढूंढते हैं। हर रॉक के नीचे कर्ट एक रिस्क ही ले रहा है। वो नहीं जानता कि रॉक्स के नीचे से किस जानलेवा खतरे को वो मोल ले रहा है। सिर्फ स्नेक्स ही इन रॉक्स के नीचे नहीं छिपते, लेकिन कर्ट के पास सभी रॉक्स टटोलने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। ये एग्जैक्टली वैसा ही होल है जैसा मैं ढूंढ रहा था। ये एक ऐसा होल है जहाँ उन एनिमल्स की वैरायटी मिल सकती है जो दिन में छिप कर बैठना चाहते हैं। इन होल्स में पफ एडर्स मिल सकते हैं, केप कोबराज मिल सकते हैं, कभी कभी तो सेंटीपीड्स, स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस भी मिल जाते हैं और कभी तो बैट भी मिल सकते हैं। पता नहीं है कितना डीप है। दिस इज केप थिक टेल। अब ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं है, लेकिन मैंने सदर्न अफ्रीका के सबसे डेडली स्कॉर्पियंस के साथ काम किया है और जरा इसके स्टिंगर के पीछे से निकलता वेनम देखिए, मुझे बहुत ही अलर्ट रहना होगा। ये एक्चुअली मुझे सेंस और फील कर रहा है। द ब्यूथिडी फैमिली ये सबसे ज्यादा वेनमस स्कॉर्पियंस में से एक है और ऐसा लगता है कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि इसकी बॉडी के सेंटर में देख रहे ये काफी स्वोलन है और ओ ये देखिए, इसने मुझे अटैक करने के लिए अपने स्टिंगर्स को उठा लिया है और आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा न्यूरोटॉक्सिक वेनम होगा। अगर इसने मुझे अभी काट लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी एंड आई विल नीड मेडिकल असिस्टेंस। मुझे इसकी वेनम की ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इसे अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि ऐसी जगह में ऐसे वेनमस स्कॉर्पियन से स्टंग हो जाना एडवाइजेबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में वन हैज टू बी काम क्योंकि जब इन प्रिमिटिव क्रीचर्स को आप अपर हैंड देते हैं, उन्हें पावर देते हैं, तो काम रहना ही अच्छी बात है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ कर दी तो ये काट सकते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन। पावर देखिए, ग्रिप देखिए, सिर्फ कुछ लिम्ब से ये ऐसे होल्ड कर सकती है। ये ऐसे रॉक क्रेविसेस में रहने के लिए डिजाइंड है।
और ये बहुत ही स्वीट है. एक्चुअली ये चाहती तो मुझे स्टिंग कर सकती थी, पर ये नहीं कर रही है. ये ओह, ये स्टिंगर्स मेरे कितने क्लोज आ गए. अब इसे जाने दूं? ओके, आई विल पुट हर बैक. हियर यू गो. किसी प्रिटी फेस को कभी ट्रस्ट मत करना. द बूम स्लंग, इनका प्राइमरी शिकार है बर्ड्स. ये हर तरह से दुनिया के सबसे वेनमस स्नेक्स में से एक है. इसका पोटेंट हीमोटॉक्सिक वेनम थोड़ा स्लो असर दिखाता है. सिम्टम्स कुछ घंटों बाद ही नजर आते हैं. पहले तो हेडेक, फिर नौजिया और डिजीनेस होता है, फिर विक्टिम ड्राउजी और कंफ्यूज्ड हो जाता है. जैसे जैसे वेनम ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो ब्रेन और मसल पर विक्टिम की खून बह जाने से मौत हो जाती है. कर्ट ये प्रूव करना चाहता है कि जिन क्रीचर्स से हम सबसे ज्यादा डरते हैं वो मॉन्स्टर्स नहीं है. अगर उन्हें भी रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. कर्ट बिलीव करता है कि नॉलेज डर को खत्म कर सकती है. ये है ब्राइट ब्लैक एंड येलो केप मेल बूम्सलैंग. ये इन लेजेस पर एक्चुअली हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्रॉल करते हैं. अभी धूप पूरी तरह से निकली नहीं है और देखिए थ्रोट को इन्फ्लेट करके ये साइज में डबल हो गया है. इन्हें कहते हैं बूम्सलैंग, यानी कि ट्री स्नेक. ये एक्चुअली यहाँ केप में भी मिल जाते हैं और यहाँ क्लिफ्स के एजेस पर जहाँ पर बर्ड्स के नेस्ट्स होते हैं या रोडेंट्स मिल जाते हैं. एंड दे लव टू कम आउट इन द मॉर्निंग सन एंड एक्चुअली इन्हें धूप सेकना बहुत अच्छा लगता है. ओके, अब मैं इसे जरा पकड़ लेता हूँ. ओह, ये देखिए थ्रोट इन्फ्लेट कर लिया है. ये फेस पर अटैक करेगा. ओह, ये बहुत गुस्से में है और मैं नहीं चाहता ये मुझे चेहरे पर काट ले. अ वेरी पोटेंट हीमोटॉक्सिक वेनम. और एक हीमोटॉक्सिक वेनम की वजह से बॉडी के हर ओरिफिस से ब्लड निकलने लगता है, मेरी आंखों से, कानों से. और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये अफ्रीका के सबसे वेनमस स्नेक्स में से एक है. बस 1 मिलीग्राम वेनम आपके ब्लड पर नेगेटिव इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले तो आपकी 24 आवर्स में ही मौत हो जाएगी. अब मैं सेफ रेंज में खड़ा हूँ. अगर मैं थोड़ा भी क्लोज गया तो ये मुझे फेस पर काट लेगा एंड आई डोंट वांट दैट. सो ओके, काम डाउन, रिलैक्स एंड इजी. ओह, देखा आपने, इनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और इसे पता है कि मैंने इसकी टेल को पकड़ा हुआ है और ये मुझ पर अटैक कर सकता है. गॉट इट, दिस इज इनक्रेडिबल, ही इज वेरी अपसेट. इस वक्त ये खुश नहीं है. अब ये फुल्ली चार्ज्ड है. ओके, लेट्स रिलैक्स इट अ बिट एंड इजी. रिलैक्स, कुछ नहीं. हो, ये स्नेक मुझसे अपसेट है और ये इस तरह की एग्रेशन दिखाकर मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं इससे दूर रहूं. और ये मुझे काटने की कोशिश नहीं कर रहा, सिर्फ वार्निंग दे रहा है कि मैं दूर रहूं. अब मैं इसे शांत करने की कोशिश करूंगा. इन बूम्सलैंग्स को अगर थोड़ा सा जेंटली हैंडल करें तो ये रियलाइज कर जाते हैं कि आप हार्म कर रहे हो या नहीं. और अब थोड़ा सा सेटल हो रहा है, लेकिन फोकस पूरा मुझ पर है और इसने अपना थ्रोट इन्फ्लेट करना बंद कर दिया है. इनसे लोग बहुत डरते हैं और ये सोचते हैं कि ये बहुत डेंजरस है. 1 मिलीग्राम वेनम एक फुली ग्रोन आदमी को आसानी से मार सकता है. और ये देखिए, ओह, इसने फिर से मेरा फेस देख लिया है. इसे लग रहा है कि मैं इसे काटना चाहता हूँ. बट आई विल स्टे काम, आई विल बी रिलैक्स्ड. अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है. ओके, दैट्स गुड. ये बड़े एक्टिव डे हंटर होते हैं और इनकी ये ड्यूरनल आइज के साथ तो ये अपने प्रे को बड़ी स्पीड से हंट करते हैं, फिर वो चाहे छोटे रोडेंट्स हो या बर्ड्स हो, कमीलियंस हो या लिजर्ड्स हो, जो भी हो. ये अपने प्रे को ग्रैब करके अपने लार्ज बैक फैंग से प्रे को बाइट करते हैं और अपना पोटेंट हीमोटॉक्सिक वेनम उनमें इंजेक्ट करते हैं और स्वॉलो कर जाते हैं. लुक एट दैट, अब ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया है. अभी अपने थ्रोट भी इन्फ्लेट नहीं कर रहा. यहाँ बहुत गर्मी है, ये अभी जितना चार्ज्ड है इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये धूप से वार्म अप हो जाते हैं और फिर हंट करने के लिए निकल जाते हैं.
मैं इन बूम स्लैंग की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. ये बहुत ही ओल्ड है. ये डेफिनेटली 8 या 10 year old मेल है. इसकी लेंथ को और ब्लैक एंड येलो कलर को देखने से पता चलता है. मेल्स ब्लैक और येलो होते हैं और फीमेल्स थोड़ी ऑलिवरी ब्राउन कलर की होती हैं. तो ये डेफिनेटली मेल है और काफी ओल्ड है और इन्हीं माउंटेन्स पर पला बड़ा है एंड 8 या 10 years से यही है. ओके, तो तुम अपने घर जा रहे हो. आई एम गोना लीव यू. केप में डेडलीस्ट स्नेक्स को ढूंढते ढूंढते कर्ट को एक ऐसा रेप्टाइल मिल जाता है जो इन इलाकों में बहुत कॉमन है. ये देखिए क्या मिला. एक टाइनी बेबी एंगुलेटेड टॉर्टिस. और इसे बॉर्न हुए अभी 3 या 4 महीने ही हुए होंगे और अब ये एक छोटा बेबी है. ऐसे 20 बेबीज में से सिर्फ एक ही रियलिस्टिकली अडल्ट साइज का यानी कि बड़ा हो पाता है. ये कोई डेडली एनिमल नहीं है पर बहुत ही प्रेशियस क्रीचर्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कोई आसान काम नहीं है लेकिन साउथ अफ्रीका में कई दूसरे क्रीचर्स भी रहते हैं. ये कॉमन या वेब स्पाइडर है. ये जंगल के बीच में भी मिल सकते हैं और ये किसी के गार्डन में भी मिल सकते हैं. ब्यूटिफुली मार्क्ड इंट्रिकेट छोटे से स्पेक्ट और कलरेशंस जो इंडिविजुअली यूनिक है. जरा इस वेब की स्ट्रेंथ देखिए. ये स्पाइडर काफी रिलैक्स्ड है और इसे वेब पर वाइब्रेशन फील होती है कुछ ऐसे. और इसे लगता है कि कोई इंसेक्ट फंस गया है. और ये देखिए ये मुझे काटने आ रही है क्योंकि इसे लगता है मैं इंसेक्ट हूँ. ये अपने छोटे लेग से होल्ड करते हैं. ये फिशिंग की तरह है. ये वाइब्रेशन को फील करते हैं और सीधा काटने दौड़ पड़ते हैं. फिर वेनम को इंजेक्ट करते हैं और स्लोली इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं. द बुशवेल्ड अकेशिया से डॉटेड येलो ग्रासलैंड्स जिराफ की रीच से आगे बढ़ता ही जा रहा है. थंडरस्टॉर्म्स, हीट वेव्स और रेगुलर ड्रॉट फेस करने वाले इस इलाके में एग्जिस्टेंस आसान नहीं है. सर्वाइव करने के लिए बुशवेल्ड में लाइफ बिगर, टफर और स्ट्रॉन्गर इवॉल्व हो गई है. सरफेस पर सब कुछ शांत लगता है लेकिन ग्रास में एक स्नेक है. द स्नाउटेड कोबरा. पहले इसे इजिप्शियन कोबरा कहा जाता था और यह भी माना जाता था कि इसी स्नेक ने क्लियोपैट्रा को मारा था जो रॉयल्टी, डेटी और इमॉर्टैलिटी की एक सिंबल थी. दूसरे कोबरास की तरह स्नाउटेड कोबरा के भी फिक्स्ड फ्रंट फैंग्स होते हैं. शार्क्स की तरह स्नेक्स भी अपने फैंग्स ड्रॉप करते हैं जो दूसरे फैंग्स से रिप्लेस हो जाते हैं. ये ऑपर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं. ये हर उस क्रीचर को हंट करते हैं जो स्वॉलो करने लायक हो, यहाँ तक कि दूसरे स्नेक्स को भी, खास तौर पर डेडली पफ एडर को. ये यूजुअली अपने विक्टिम को लोअर लेग पर काटते हैं और जहां ये बाइट करते हैं वहां इनके न्यूरोटॉक्सिक वेनम से बहुत तेज पेन और स्वेलिंग होती है. वेनम ब्लड स्ट्रीम से जब पास होता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शट डाउन होने लगता है. मसल्स वीक हो जाते हैं. स्वॉलोइंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है. असिस्टेड वेंटिलेशन के बिना विक्टिम सफोकेट होकर मर जाता है. कोबराज ट्री क्लाइंबर्स होते हैं. सुबह सुबह इन ब्रांचेस पर ये कोबरा धूप के मजे ले रहा है. अपने हुड को फैलाकर ये इस वार्मिंग लाइट का मजा ले रहा है.
ये गर्मी इसकी कोल्ड ब्लडेड बॉडी को शाम के हंट के लिए पूरी तरह चार्ज कर देगी। Incredible. एक मॉन्स्टर कोबरा, डेफिनेटली एक स्नाउटेड कोबरा है और ऐसी जगह में कोई दूसरा कोबरा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली ये इस फिग ट्री से नीचे उतर रहा है, देखिए। ये स्नेक्स डेडली हैं। कर्ट की एक गलती उसकी जान ले सकती है। ग्रिप इधर से मिलेगी। ओके, देखते हैं। वो दिस इज अ वेरी बिग स्नेक, मैसिव, बहुत बड़ा स्नाउटेड कोबरा है। एक्चुअली इसके क्लोज जाना काफी डेंजरस होगा, ये जगह थोड़ी रफ है तो स्लो मूवमेंट्स करेंगे। ओके, आई गॉट हिम। ये देखिए, ये ग्राउंड को यहीं से टच कर रहा है। वाओ, ओ हो, ओ वाओ, ये अपने हुड को स्प्रेड कर रहा है। वो लुक एट दैट, कितना बड़ा है। वाओ, अब ये मुझे देख रहा है। ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, बस जेंटल रहो। ओके, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। देखो ये हुड फैला रहा है, ये साफ साफ कह रहा है कि दूर रहो, और ये साइडवेज मूवमेंट्स ये वार्निंग देने के लिए है। इस सिचुएशन में काम रहना पड़ता है। मैं इसकी स्ट्राइकिंग रेंज में हूं और इसे कंप्लीट पावर दे रहा हूं। अगर ये चाहे तो मुझे कभी भी काट सकता है। मैं ट्राई करूंगा इसे छूने को और देखते हैं कि वाओ, देखा आपने, और मुझे स्निफ कर रहा है। ये फिर से मेरी तरफ आ रहा है। ये एक्चुअली मुझे चेक करने आ रहा है कि मैं हूं कौन, क्या कर रहा हूं यहां पर। और इसका साइज देखिए, ये इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी इससे पंगा नहीं लेना चाहेगा, और कोई भी हो, कोई भी एनिमल, वो इससे दूर ही रहना चाहेगा। तो ये पजल्ड है और सोच रहा है कि ओह, ये देखिए इसने अपने हुड फैला लिया है। इसे उठाता हूं, ये स्नेक इतना बड़ा है, इसे जेंटली हैंडल करना होगा। ये स्नेक सच में बहुत ही बड़ा है। You know, I can feel कि ये almost 5 kilo का होगा। और ये देखिए इसका हुड कितना कितना बड़ा है, ये देखिए। Wow. Oh. Ooh. Ooh. मुझे इसे अपसेट नहीं करना है, बस इसे स्लाइट सा स्ट्रोक देकर देखिए, ये देखिए। ओ ओके, अच्छा नहीं लगा, आई एम सॉरी, फिर से नहीं करूंगा। ओके ये देखिए, ये स्ट्रोक कर रहा हूँ मैं इसे, जेंटल स्ट्रोक। ये देखिए, इसने एक्चुअली मुझे घूरना भी बंद कर दिया है। लुक एट दैट, एंड आई थिंक अब इसे ये सब अच्छा लगने लगा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, अब मजा आ रहा है दोस्त है? You know, इन किंग कोबरास की बहुत ही अमेजिंग बात ये होती है, खासकर जो बिग स्नाउटेड या इजिप्शियन कोबरास होते हैं, कि जब ये थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं ना, तो ये काफी चेंज हो जाते हैं। ये ह्यूमंस को बहुत ज्यादा टॉलरेट करने लगते हैं, लेकिन यंगर और स्मॉलर कोबरास जो होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, और उन्हें शांत करना आसान नहीं होता। पर जब तक कि आप इन पर खुद को फोर्स ना करो या इन्हें हर्ट ना करो, तब तक ये आपको हर्ट नहीं करेंगे। स्प्रिंग्स स्नेक का मेटिंग सीजन होता है, उसके बाद फीमेल 8 से 30 अंडे देती है और फिर उन्हें अपने आप हैच होने के लिए छोड़ जाती है। हैच हो जाने के तुरंत बाद से ही यंग स्नेक्स हेडेड, वेनमस और किसी को भी एक ही बाइट में मार डालने के लिए परफेक्टली केपेबल होते हैं। मैं इसकी लेंथ को एक बार चेक करना चाहूंगा। आई मीन, ये स्नेक बहुत बड़ा है, हैवी भी है। ये देखिए, मैं अप्रोक्सीमेटली 6 feet का हूँ, और ये भी
उतना ही बड़ा है, अप्रोक्सीमेटली सेम हाइट का है, आई थिंक कुछ 1.8 मीटर्स या 2 मीटर, बट वेरी हैवी बॉडी। इसे एक बार और लिफ्ट करता हूँ। अब सही है। वाओ, इस स्नेक का साइज देखिए, ये एक्चुअली एयर को स्निफ कर रहा है और चेक कर रहा है कि आसपास हो क्या रहा है। और ये कौन है? ओह, मुझे घूर रहा है। ओके, आई एम गोना पुट यू बैक एंड ओके, देख रहा है वापस। इनसे हमेशा अवेयर रहना पड़ता है क्योंकि जब ये अपने हुड को फैलाते हैं तो वो एक वार्निंग साइन होता है। He's very close to me. Oh, look at that. Oh, वहाँ क्या कर रहे हो? I think ये मुझे काटना चाहता है, इसलिए हमेशा बस शांत रहिए। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ और मुझे लगता है इसे छोड़ देना चाहिए। अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। ओ, ये देखिए, ये वापस मेरे पास आ रहा है। ओके, तुम अपने घर वापस जाओ। जाओ, अपनी जिंदगी आराम से जियो। यू आर वेरी ब्यूटिफुल। इस हार्श अनफॉरगिविंग टेरेन ने इंसान को अपना पहला टेंटेटिव स्टेप लेते देखा है। एक स्पीशीज के तौर पर हम जल्द ही ये जान गए कि हमें अपना अगला स्टेप डेंजर से बचकर ही रखना है। कर्ट वही चल रहा है जहां इंसान ने पहला स्टेप लिया था, और वही खतरा आज भी उसका वेट कर रहा है। द पफ एडर, इनका लैटिन नाम है बाइटिस अरियटेंस, जिसका मतलब है स्ट्राइकिंग वायलेंटली। ये साउथ अफ्रीका ही नहीं, पूरे अफ्रीका में ये गोल्डन लाइट में प्रैक्टिकली इनविजिबल होते हैं। बहुत से बाइट्स तभी होते हैं जब लोकल्स इन पर आते जाते स्टेप कर देते हैं। वो उस सिग्नेचर हफिंग नॉइज पर ध्यान ही नहीं देते जो पफ एडर्स वार्निंग देने के लिए निकालते हैं। इनके रेजर शार्प फ्रंट हिंज्ड फैंग्स मेजर करते हैं 2 सेंटीमीटर तक। ये क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड में स्ट्राइक करते हैं, और ये आर्ग्यूबली दुनिया के किसी भी स्नेक के मुकाबले सबसे फास्ट स्ट्राइकर्स होते हैं। साउथ अफ्रीका में किसी और स्नेक बाइट के कंपैरिजन में पफ एडर की बाइट से सबसे ज्यादा फेटलिटीज होती हैं। पोटेंट साइटोटॉक्सिक वेनम एक्सक्रूशिएटिंग पेन और टिश्यू की डिटेरियरेशन की वजह बनता है। ये स्नेक एक सिंगल बाइट में करीब 750 मिलीग्राम वेनम विक्टिम के शरीर में इंजेक्ट करता है। सर्वाइवर्स को स्किन ग्राफ्ट, एम्प्यूटेशंस और डरावनी स्कारिंग झेलनी पड़ती है। यहाँ पर इन बुशमैन पेंटिंग्स को देखिए, आई कैन बिलीव इट कि ये यहाँ है। वो एक पफ एडर भी है। इसकी हाफिंग सुनिए। दिस इज अ मैसिव पफ एडर। ये धूप से खुद को बचाना चाहता है। मैं नहीं चाहता कि ये मुझे काट ले। ओह, ओह, आराम से। ओप्स, ओके, आई गॉट इट। Okay, I got him. You know, इनके साथ careful रहना होगा, वरना ये अपने 2 इंच लंबे fangs से काट लेंगे। अच्छा, इसका कलर देखिए। That is gorgeous. Incredible. और ये मुझे खुश नहीं दिख रहा। ओह, ये देखिए, the strike pose. ये snakes 10 meters per second की speed से strike कर सकते हैं, तो मुझे इससे दूर रहना है। इसकी huffing सुनिए। इसके कील्ड स्केल्स को देखिए, इस पर जो रफ स्केल्स है ना, ये डेफिनेटली, ओ यस, ये एस कॉइल को देखिए, ये ऐसा करके फॉरवर्ड स्ट्राइक करते हैं और अपने फैंग्स को थ्रो करते हैं। ये देखिए, ये एक कैटरपिलर की तरह ऊपर मूव कर रहा है। पीछे से लंबी सी टेल दिख रही है, इससे पता चलता है
ये मेल है। मेल्स की टेल फीमेल से ज्यादा लंबी होती है। तो ये बड़ा है और बहुत गुस्से में है। पफ एडर्स बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। जब हफिंग और पफिंग की आवाज सुनाई दे तो दूसरे एनिमल समझ जाते हैं और वो कहीं दूर भाग जाते हैं और नजदीक नहीं जाते। लेकिन देखा, इसने अब तक मुझ पर अटैक नहीं किया। चलिए इसकी बॉडी को थोड़ा सा टिकल करें। ये देखिए, ये शांत हो रहा है। सिर्फ एक टच से, सिर्फ एक ही टच से काम हो गया। ओके। इस साइज के पफ एडर से एक बाइट का मतलब है एक ऐसा पेन जैसे कि किसी बॉइलिंग ऑयल में अपना हाथ डाल दिया हो। पफ एडर अब तक के सबसे कॉमन स्नेक्स हैं क्योंकि ये सीधा बेबीज को ही जन्म देते हैं। तो जब आप एनिमल्स या इन पर्टिकुलर स्नेक्स को ढूंढने जाते हैं तो किसी दूसरे वेनमस स्नेक्स के मिलने से पहले एक पफ एडर के मिलने के चांसेस ज्यादा ही होते हैं। ओ, जरा इसका स्क्रॉल देखिए। ये देखिए, अब ये भागने को ट्राई करेगा। ओ, ये देखिए, द मोस्ट ब्यूटिफुल पफ एडर आई हैव एवर सीन, ब्राइट येलो और ऑरेंज हेड के साथ। ये एयर को अंदर सक करता है और ये सारा साउंड जो सुनाई देता है वो अपने बड़े से नॉस्ट्रिल से निकालता है। देखिए, ये खड़ा हो रहा है। ओके, आराम से। ये थोड़ा गुस्से में है और ये गुस्सा मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं इसे बहुत ट्रबल कर रहा हूँ। अब मैं सीधे खड़े रहकर देखता हूँ। ये कपड़ों के अंदर तक मुझे काट सकता है। इसके फैंग्स इतने बड़े हैं कि मेरी पैंट को टेयर कर सकता है, लेकिन शायद ये मुझे काटना नहीं चाहता, बस चेक कर रहा है। अपने हाथ ऐसे किसी होल में डाल देना बहुत ही डेंजरस है, बट आई एम श्योर कि अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ मिला है। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसे ज़्यादा बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। ये देखिए, बस ज़रा इसकी ग्रिप को देखिए, ये मुझे काटना चाहता है। इजिप्शियन फ्री टेल्ड बैट है। आप देख सकते हैं कि टेल स्किन से बिल्कुल फ्री है, लेकिन दूसरों में एंड तक कवर हुई होती है, पर इसकी एक माउस टेल जैसी फ्री हैंगिंग है। जरा इसके ये बड़े से इंसेक्टिवोरस टीथ भी देखिए। ये इंसेक्ट हंटर्स होते हैं। इसके बड़े कान देख रहे हैं। इनके मुंह के पास एक्चुअली थोड़ी सी फ्लैपी स्किन होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुल मैस्टिफ्स की तरह दिखते हैं और इसीलिए इस फ्री टेल्ड बैट्स की बहुत कुछ माउस की तरह है और ये छोटी सी फ्री हैंगिंग टेल, और इसी वजह से इनका नाम फ्री टेल्ड बैट पड़ा। ईयर्स बहुत ही सेंसिटिव हैं और ये ऑब्वियसली इको लोकेशन यूज करके इंसेक्ट्स को हंट करते हैं। अगर मैं जेंटली इसके विंग को ओपन करता हूँ तो देखिए ये विंग कितना बड़ा है, और इसकी मेम्ब्रेनियस स्किन को देखिए, ये एक स्किन जैसी ही है लेकिन एक लेदरी स्किन जैसी है जिनकी मदद से ये उड़ पाते हैं। ये बैट्स क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट होते हैं और इन सारे क्रैक्स और केव्स में मिलते हैं। ये ह्यूमन हैबिटेशन के पास भी मिलते हैं जहाँ ये ब्रिक्स के बीच की कॉरोगेटेड शीट्स में क्लाइंब करते हैं, और इनके दांत बहुत ही शार्प होते हैं और इनकी आंखें, ये देखिए कितनी बड़ी हैं। वैसे ये आंखों पे ज्यादा रिलाई नहीं करते, ऑब्वियसली ये सन सेट होने के बाद ही हंट करते हैं, तो ये कानों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये नॉर्मली बड़े बड़े फैमिली ग्रुप्स में ही मिलते हैं। इनकी एक ही बेबी होती है नॉर्मली मिड समर में, जो इनकी बॉडी से चिपकी होती है, और ये बहुत ही क्यूट होते हैं। बहुत ही सेंसिटिव छोटे से क्रीचर्स हैं, और सोचिए लोग इन्हें नाइटमेयर्स के क्रीचर्स समझते हैं। देखिए कैसे मेरे हाथ पर, ये देखिए कैसे चल रहा है। देखिए ये अपने फ्रंट हुक से ऊपर चढ़ रहा है और ऐसे ही रॉक्स पर भी पुल करते हैं और टॉप तक पहुंच जाते हैं। बट गाइस, ये देखिए, ओह सो स्वीट, मुझे काटना मत प्लीज। ये देखिए, ये एक्चुअली मुझ पर क्लाइंब कर रहा है। वाओ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। काटना मत प्लीज, मुझे काटना मत। ओह वाओ, ये देखिए स्निफिंग से आसपास की सराउंडिंग चेक कर रहे हैं। ट्रूली ये प्लैनेट के मोस्ट अमेजिंग लिटिल मैमल्स हैं। ये माउस जैसे दिखते हैं पर है नहीं। इनके ब्यूटीफुल विंग्स हैं और ये रात में ग्लाइड करते हैं और इको लोकेशन से इंसेक्ट्स को हंट करते हैं और ये हाई थ्रिलिंग साउंड्स निकालते हैं। सच में ये मार्वल ऑफ नेचर है कि कैसे ये छोटे बैट्स इवॉल्व हुए और ऐसे केव्स में रहने लग गए। अब आप देखिए ये केव्स में कैसे क्लाइंब करते हैं।
ये देखिए कैसे ये अपने क्लॉज को यूज करता है, ये देखिए इनक्रेडिबल। और ये देखिए कैसे हुक्स का यूज करके ये बैलेंस बना रहा है, ये हुक्स को देख रहे हैं आप, और बैलेंस करने के लिए टेल को भी यूज कर रहा है। तो इनका डिजाइन एकदम परफेक्ट है ऐसे ही केव्स में रहने के लिए। अब तो ये काटना में नहीं चाहता, बस मुझे ओ ये थोड़े से दांत दिखा रहा है। ओके क्यूटी लिटिल फेलो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा। ये देखिए कितना क्यूट है ये। दैट्स ओके, इसे वापस छोड़ देते हैं जहां से मिला था, और शायद इस केव के आसपास कोई स्नेक भी मिल जाए। लेकिन ये डेफिनेटली इन एरियाज के स्नेक स्पीशीज के लिए बहुत ही अच्छा फूड सोर्स है। यहाँ पर इन रॉक्स पर एक बैठा है, और मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं एज पर हूँ, और ये न्यू बॉर्न बेबी पफर है, छोटा है पर ये बिल्कुल बड़े जितना ही खतरनाक और वेनमस है। बस वेनम की क्वांटिटी कम होती है, फिर भी इनका एक बाइट डेंजरस हो सकता है। ये देखिए इसकी फ्लिकरिंग टंग देख रहे हैं, इसने पहली बार किसी ह्यूमन को देखा है, और ये इसी साल बॉर्न हुआ है। इसके फ्रंट में ये बबल है। ये बेबी पफ एडर सीधे जिंदा पैदा होते हैं। ये देखिए कितना क्यूट है, इसे कोई आइडिया नहीं है। ओ थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, मैं नहीं चाहता ये मुझे काटे। नहीं बेबी नहीं, एक न्यू बॉर्न बेबी लीथल पैदा होता है जिसके फैंग्स और वेनम ग्लैंड्स बर्थ से ही फुल्ली डेवलप्ड होते हैं। देखिए क्या कर रहा है, ये स्निफ कर रहा है मुझे और चेक कर रहा है कि ये नई स्मेल किस चीज की है। पहले तो यहाँ ऐसी स्मेल नहीं आई। इमेजिन आप बॉर्न हुए हो तो हर चीज की स्मेल आपके लिए न्यू होगी, तो ये पता लगा रहा है कि क्या ये कोई प्रेडेटर है या बस कोई मुझे छेड़ रहा है। अभी तो लगता है कि मैं इसे छेड़ रहा हूँ। ये परफेक्ट लोकेशन है, यहाँ रॉक्स है, गैप्स है। मदर तो हाइडिंग में चली गई है, खाना नहीं खाएगी, इन बच्चों को बर्थ देगी, और बर्थ के पहले दिन से ही ये अकेले हो जाएंगे। तो इसी एरिया में कहीं कुछ और स्नेक्स भी जरूर होने चाहिए, और अगर उस स्नेक ने 20 बेबीज को पैदा किया है तो एक या दो ही एडल्ट होंगे। तो इन सारे बेबीज में से पूरे तो नहीं बचेंगे, इनमें से कुछ को तो बर्ड्स हंट कर लेंगी या फिर दूसरे स्नेक्स ही इन्हें खा जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। इतने छोटे पफाइडर्स को तो बड़े स्पाइडर्स भी अपना शिकार बना लेते हैं, या जायंट सेंटीपीड्स भी। तो जब ये छोटे होते हैं तो काफी वल्नरेबल होते हैं। ये बस यहाँ से जाना चाहता है, और इन रॉक गैप्स में पानी हो सकता है, और शायद ये पानी पीना चाहता है, पर अब इसे हंट करना है। ये काफी स्किनी लग रहा है, मतलब खाना इसके लिए बहुत जरूरी है, एंड आई थिंक ये यहाँ हंट करने के लिए आया है ताकि इसे कुछ खाने को मिल जाए। एक न्यू बॉर्न स्नेक बहुत ही क्यूट होता है, ये बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। और जरा उस लिटिल टंग को रिज के ऊपर आते देखिए, स्निफिंग स्निफिंग, इट्स सच अ प्रिविलेज टू फाइंड देम। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे न्यू बॉर्न स्नेक्स के मिल जाने पर, क्योंकि ऐसे न्यू बॉर्न पफाइडर के मिल जाने पर बिलीव ही नहीं होता कि अभी से ही इसके फैंग्स इतने डेवलप्ड हैं। ओके ये काम करेगा। यू कैन इमेजिन कि ये एक न्यू बॉर्न पफाइडर है, और ये ऑलरेडी इतने बड़े फैंग्स के साथ है जिसे मेरी स्किन को पियर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बॉर्न लीथल पोटेंट वेनम के साथ, क्योंकि डे वन से ही ये अकेला है, मदर का सपोर्ट नहीं है, और अकेला ही हंट करता है। जेंटली वापस फोल्ड करो। ये देखिए इट्स इनक्रेडिबल, ये एक्चुअली एक डबल फैंग है। तो स्नेक्स के पास हमेशा रिप्लेस करने के लिए एक बैकअप फैंग होता है, इन केस एक शेड हो जाए या टूट जाए तो इनके पास हमेशा एक बैकअप फैंग होता है, तो ये कभी भी फैंगलेस नहीं होते। आई पुट दिस बैक, ये इनक्रेडिबल है। इसके माउथ का साइज देखिए, अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। इस साइज का पफाइडर हर टाइप के स्मॉल रोडेंट्स को पकड़ेगा। मैंने तो इन स्मॉल पफाइडर्स को छोटे फ्रॉग्स और टोड्स को भी पकड़ते देखा है, पर इसका प्रेडोमिनेंट प्रे इन रॉकी क्लिफ्स में छोटे स्ट्राइप्ड फील्ड माइस होते हैं। देखता हूं अगर इसे पानी पीना है तो। ट्रूली अमेजिंग। अब मैं इसे छोड़ दूंगा और उम्मीद करूंगा कि किसी दिन ये एक बड़ा लंबा पफाइडर बन जाएगा। फॉरेस्ट साउथ अफ्रीका के पूरे सरफेस एरिया का 0.25% ही कवर करते हैं। जितनी स्पीशीज यहां पाई जाती हैं, वो पूरे साउथ अफ्रीका में कहीं नहीं मिल सकती। ईस्ट कोस्ट पर एक छोटे से ग्रीन पॉकेट में रेनफॉल हाई है और ह्यूमिडिटी पैल्पेबल। यहां वाइल्ड लाइफ ने टेम्परेचर और ट्रीज से भरे इस जंगल में सर्वाइव करना सीख लिया है। यहां कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो पेड़ पर हो या जमीन पर। इसे स्नेक्स का बादशाह कहते हैं।
the Gaboon Adder. इसके जियोमेट्रिक पैटर्निंग की वजह से इसे बटरफ्लाई एडर भी कहते हैं। ये मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। ये फॉरेस्ट कैनोपी की डैपल लाइट के नीचे गिरे पत्तों में सीमलेसली ब्लेंड कर जाता है। इनविजिबल होते ही ये शिकार का इंतजार करने लगता है। गबून एडर सबसे बड़ा हिडियस्ट वाइपर है और इस प्लैनेट पर किसी भी स्नेक के फैंग्स इससे ज्यादा बड़े नहीं होते जो स्टैगरिंग 5 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। दूसरे वाइपर्स की तरह गबून एडर बाइटिंग के बाद रिलीज नहीं करता। ये एक सिंगल बाइट में ये दुनिया के किसी भी स्नेक के मुकाबले सबसे हाईएस्ट डोज है। इनकी बाइट को किसी इंसान के ऑयल में बॉयल होने से कंपेयर किया जा सकता है। साइटोटॉक्सिन्स बहुत जल्द टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसका रिजल्ट होता है नेक्रोसिस, गैंग्रीन, लॉस ऑफ लिम्ब्स एंड डेथ। गबून वाइपर, कौन इमेजिन कर सकता है कि ऐसा थिक बॉडीड स्नेक इतनी फिनेस से पानी में ग्लाइड कर सकता है। ये एक यंग गबून वाइपर है। ये इससे भी कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ये इजीली 1.5 से 1.6 मीटर्स के होते हैं और थिक होते हैं। इसके फैंग्स डेफिनेटली बहुत बड़े हैं और कपड़ों को टेयर करते हुए काट सकते हैं। दैट इज ब्यूटिफुल। लुक एट दैट, वाओ। यकीन नहीं होता इतना ब्यूटीफुल भी स्नेक हो सकता है। ये पानी पीने के लिए बाहर आया था और फिर कोई स्पॉट ढूंढ रहा था जहां बैठकर हंट कर सके। एक फुली ग्रोन गबून वाइपर आसानी से एक छोटे से वर्वेट मंकी के साइज के एनिमल को पकड़ सकता है, या एक स्मॉल फाउल या गिनी फाउल। ये हर टाइप के बिग प्रे को खाने के लिए फेमस है। एक फुली ग्रोन गबून वाइपर के एक बड़े प्रे को खाने की रिकॉर्डिंग भी है। ये देखिए, ओह, मैं इसे जेंटली स्ट्रोक करूंगा। ये देखिए, मैंने इसे सिर के पीछे से पकड़ लिया। सबसे बड़े फैंग्स इसी स्नेक के होते हैं। ये देखिए, इसके फैंग्स का साइज देख रहे हैं, और ये तो अभी एक फुली ग्रोन स्नेक भी नहीं है। इसे कहते हैं हिंज्ड फैंग्स। ये स्विच नाइफ्स की तरह फॉल बैक करते हैं और मुंह के अंदर फोल्ड बैक हो जाते हैं। ये फैंग्स एक्चुअली बहुत बड़े हैं और इनके फैंग्स इतने बड़े हैं कि लिप्स को टेयर करते हुए नीचे तक आ सकते हैं, यानी कि मेरी उंगलियों को भी आसानी से काट सकते हैं। इस स्पेक्टेकुलर स्नेक को देखिए, इसके स्केल्स देखिए। ये बस एक ब्यूटीफुल हैवी बॉडीड स्नेक है। ये स्नेक्स बहुत ही पोटेंट साइटोक्सिक वेनम रिलीज करते हैं। इनका वेनम इतना पोटेंट होता है कि अगर ये आपको काट ले तो इतना पेन होगा कि आप जिंदा नहीं रहना चाहेंगे। ये एक टिश्यू डिसॉल्विंग वेनम है और बहुत सारे स्कार टिश्यू और बहुत ज्यादा पेन देने वाला। आप सोच सकते हैं कि इस साइज के फैंग्स के साथ ये आप में कितना सारा वेनम पंप कर सकता है। ये अफ्रीका के सबसे फियर्ड वाइपर्स में से एक है, द गबून वाइपर। इनक्रेडिबल। ओह, ये मुझे देख रहा है। आपको अवेयर रहना चाहिए क्योंकि इसकी बाइट बहुत पावरफुल है, पर मैं जेंटल हूँ, शांत हूँ और ये अच्छे से सेटल भी हो रहा है। ट्रूली ये सबसे वेनमस स्नेक्स में से एक है और इस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले डेडली क्रीचर्स में से एक भी। क्या बात है। ओह, ये मुझे स्निफ कर रहा है। मैं इसे नीचे रख देता हूँ। देखिए कैसे नीचे रखते ही छिप गया और पत्तों के बीच तो दिखाई ही नहीं देता। अगर आप इस पर थोड़े से पत्ते डाल दें तो ये देखिए दिखाई ही नहीं देगा। अभी इसके कलर्स देखिए, ये हफ कर रहा है लेकिन ये काफ़ी शांत है और मुझे नज़दीक भी आने दे रहा है, तो मैं यहाँ इसके इतना क्लोज हूँ
एक इतने बड़े फैंग्स वाले स्नेक के पास और मैं इसे जेंटली स्ट्रोक कर रहा हूँ. ये देखिए ही इज लविंग इट. नाउ लुक एट दिस, ये कैसे अपने सिर को ऊपर उठा रहा है, देख रहे हो? हाँ, ये हफिंग और पफिंग भी कर रहा है. ओके, हफिंग कर रहा है पफ एडर की तरह. इसके नॉस्ट्रल्स भी बहुत बड़े होते हैं. अब ये मुझे वार्निंग दे रहा है. इनक्रेडिबली फास्ट ट्राई करते हैं. धूप में इनकी मार्किंग्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना. मुझे इस फॉरेस्ट में मिलने वाला सबसे ब्यूटीफुल स्नेक मिला है. और जहां तक अफ्रीका के वाइपर्स का सवाल है तो ऐसे ही अफ्रीका में सबसे डेडली वाइपर कहूंगा. कोई कंपैरिजन ही नहीं है. एक 1.5 मीटर का फुली ग्रोन गबून वाइपर एक अनमैच्ड प्रेडेटर है. और इस एज में भी ये इन रूट्स में जाता है, इन डेड लीव्स के बीच छिपता है. एक रैट यहाँ दौड़ता है, इसे उसकी सेंट मिलती है और ये झटके से फैंग से सीधे अटैक कर देता है. दिस इज अमेजिंग. अगर आप इन डेडली एनिमल्स के साथ थोड़ा सा जेंटल रहें तो आप इन्हें उठा सकते हैं. ये कुछ नहीं करते. इनमें आपको मारने की पावर है लेकिन ये उस पावर को अब्यूज नहीं करना चाहते. प्रिमिटिव एनिमल्स प्रूव करते हैं कि एक्चुअली आपको यूं ही मारना नहीं चाहते. इनमें वेनम अपने प्रे को मारने के लिए इवॉल्व हुआ है. बस ये अपने लास्ट डिफेंस में ही आप पर अटैक करेंगे और वेनम इंजेक्ट करेंगे. तो जब तक आप इनके साथ जेंटल हैं और कोई फोर्स यूज नहीं कर रहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. बट दे आर पॉइजनस. लुक एट दैट, हाउ ब्यूटीफुल. इस फॉरेस्ट के मैसिव वाइपर्स के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही हम्बल रहा.